ये पुरानी बात है दोस्तों। यार मैं किसी से बात कर रहा था कि किस तरीके से औरतों के साथ अत्याचार होते थे और आज भी होते हैं, और औरतों के साथ क्या इंसान की को जिस तरीके से जातियों में बांटा गया है, कुछ जातियों को ऊंची दर्जा दिया गया, कुछ जातियों को नीचा दर्जा दिया गया, और किस तरीके से नीची जातियों के साथ अत्याचार किए गए आज भी। मतलब कोई नई पुरानी बात नहीं है, सब नई बात है। पुरानी बातें जब भी हम कोई चीज हमारे लिए पुरानी हो जाती है, एक नया किस्सा आ जाता है और एक नई स्याही से उस पे पुरानी बात पे नई बात लिख दी जाती है। तो इसी तरीके से यार औरतों के साथ अत्याचार किए गए, छोटी जातियों के साथ अत्याचार किए गए, जिन्हें नीच माना गया। तो ऐसे में बात कर रहा था और सामने वाले पक्ष ने बोला कि ये तो पुरानी बात है, पुरानी बात हो गई है, पहले जमाने में ऐसा होता था। और यार मैं इंटरनेट पर स्क्रॉल कर रहा था, मैंने बीबीसी न्यूज़ हिंदी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब के ऊपर, और मैं दिखाता हूँ आपको। और यार मैंने स्क्रॉल करते हुए ये थंबनेल देखा बीबीसी न्यूज़ हिंदी का, जिस पे लिखा था कि किस तरीके से दाइयों ने बताया कैसे बच्चियों को मारा जाता है। तो मैंने देखा कि चलो एक देख लेनी चाहिए वीडियो। तो यार मेरी इच्छा हुई कि इस वीडियो को मैं देखूं, क्योंकि यार जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड रहा है, जो मेरी मदर हैं वो खुद से ही एएनएम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस करती है। मेरी मौसी है वो एएनएम थी, देन जीएनएम हुई, और जो मेरी सिस्टर है वो भी एएनएम है, और काफी सारी जो मेरी दूसरी बहनें हैं वो भी मेडिकल डिपार्टमेंट में वर्क करती है। पर जो मिडवाइफरी जिनके लिए स्टोरी बनाई गई है, मिडवाइफरी जिनके लिए स्टोरी है, वही सब काम एएनएम और जीएनएम का होता है। तो मेरे फैमिली में ये चीजें हैं, तो मैंने सोचा इसको देख लिया जाए कि क्या इस वीडियो में स्टोरी, पूरे 1 घंटे 2 मिनट 56 सेकंड की वीडियो है, क्या बताया गया है। तो यार यार इस वीडियो में एक स्टोरी शेयर की गई है, रिपोर्टर है अमिताभ प्राशर, असिस्टेंट प्रोफेसर पूर्णिमा मेहता, और काफ़ी सारे नाम आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्टोरी हमारे देश की इन्होंने बताई है कि किस किस तरीके से क्या क्या हालात हमारे देश में चल रहे हैं। और ये वीडियो मैं आपको जरूर जरूर बोलूंगा कि आपको टाइम निकाल कर इसको देखना चाहिए। यार वीडियो में बताया गया है कि किस तरीके से कुछ साल पहले, मैं कुछ साल ही बोलूंगा, चाहे वो 30 साल हो गए हों, क्योंकि जैसे रिपोर्टर ने इन्होंने बताया कि मैंने अपने पूरे 30 साल इस डॉक्यूमेंट्री पे दिए और इस केस के ऊपर दिए। मैं 30 सालों को कुछ साल ही बोलूंगा, क्योंकि हर रोज एक नई स्याही से इन पुरानी बातों पर नए अक्षर लिख दिए जाते हैं, नए केस छप दिए जाते हैं, नए अखबारों में नई खबरें आ जाती हैं। तो वो 30 साल पुरानी बात क्यों क्यों पुरानी होगी, वो आज की ही बात है, वो अब की ही बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और शायद कहीं पे कोई ऐसा केस हो रहा हो, या मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि फ्यूचर में जो अभी वक्त आया भी नहीं है, जो पल अभी आया भी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ होने वाला हो, कुछ घटित होने वाला हो। तो यार वीडियो स्टार्ट होती है, एक केस आता है बिहार में, कटिहार की पूरी स्टोरी आसपास घूम रही है, और उसमें एक छोटी बच्ची जिसका जन्म हुआ ही था और उसको जंगल में फेंक दिया गया, कुछ लोग उसको देखते हैं, और ऐसे स्टोरी स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद ये रिपोर्टर हैं, इन्होंने एक गांव के अंदर, कटिहार के अंदर, जो दाई पहले बोलते थे, दाई होती थी, अब तो सब कुछ, अब क्या दाइयाँ अब भी होती हैं, जो रूरल एरिया होता है उसके अंदर दाई होती है। जैसे झारखंड, जैसे मैं झारखंड गया था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, जहाँ गरीबी होती है वहाँ अंधविश्वास पहले से पैदा हो जाता है। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, तो बड़े बड़े महंगे महंगे हॉस्पिटलों में नहीं जा पाते, तो वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो झाड़ फूक वालों से या फिर किसी दाई वगैरह से करवा लेते हैं। तो आज भी दाई होती है, पुरानी बात नहीं है। हम कह देते हैं कि पहले पहले दाइयाँ होती थी, हम जब गाँव से शहरों में आ गए हैं तो हम बोल देते हैं कि पहले दाइयाँ होती थी, आज भी दाइयाँ होती है, दाई होती है जो कि वुमेन्स की डिलीवरी करवाने के लिए मदद करती हैं। तो इसमें उन दाइयों की कहानी बताई गई है, किस तरीके से जो दाई होती थी वो कुछ चंद पैसों के लिए, क्योंकि यार पैसे की नीड हर बंदे को होती है, अब वो भी अनपढ़ ही हैं, पहले कोई उन्होंने डिग्री कोर्स तो किया नहीं था जिसमें उनको सिखाया जाए कि सही क्या है गलत क्या है, पर वो कुछ उनकी पैसे की भूख के लिए या फिर कुछ उनके लालच के लिए वो उन बड़ी जातियों का, उन बड़ी जातियों की बात मान लेती है और उन बच्चियों को, स्पेशल बच्चियों को मार देती हैं जन्म के बाद। क्यों क्यों मार देती है, क्योंकि उनका कहना है, जो जिस तरीके से स्टोरी में बताया गया है, मैं किसी स्पेशल किसी जाति के बारे में, किस कास्ट के बारे में बात नहीं करूंगा, पर जैसे स्टोरी में बताया गया है कि ज़्यादातर अपर कास्ट के जो लोग होते थे वो कहते थे कि भाई हमें दहेज के लिए ज़्यादा पैसा देना होगा, इसीलिए हम इस लड़की को अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड ही वर्ड यूज करूंगा, मतलब वो इतनी कीमती है, कोई भी बच्चा, लड़का हो या लड़की, उसकी जान बहुत ज्यादा कीमती होती है। ऐसे नीच लोग कभी भी
इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और उन्होंने क्या करते थे, वो दाई को कुछ 100-200 रुपए, 100-200 रुपए बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू होती थी, तो उसके लिए दाई दाइयों को वो पैसे दे देते थे और उनको मरवा देते थे। तो स्टोरी में फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर इसके बाद क्या है, एक केस को लेकर पूरा जो इन्होंने अपने 30 साल रिपोर्टर अमिताभ जी ने दिए इस पर, और पूरी खोजबीन करके ये फाइनली एक लड़की को खोज पाए जो आज अप्रोक्स 30 साल की है, एक अच्छे प्रोफेशन में काम कर रही है। उसको वो काफ़ी सारी जो पहले दाइयाँ थी वो ज़्यादातर मर चुकी है, पर आज भी एक दाई जिंदा है, ठीक है, जिनकी शक्ल इन्होंने दिखाई है, ठीक है। और जो लड़की जिसको बचाया गया जब वो छोटी थी, तब उनकी शक्ल इसमें दिखाई है, रिपोर्टर की शक्ल दिखाई है, और जो भी स्टाफ मेंबर्स बीच में इंक्लूडेड थे जिन्होंने हेल्प की लड़कियों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, सबकी शक्लें इन्होंने दिखाई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ शक्लें अब भी छिपा ली गई हैं जिनका दिखना बहुत ज़रूरी है, जो इस समाज में अपने आप को ऊंची जाति का बोलते हैं या अपने आप को कोसते हैं कि हम इस छोटी जाति में भी पैदा हुए, और वो कुछ ऐसा नीच काम करते हैं। और आज भी कुछ ऐसे इंसान इस हमारे आसपास हैं, जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसको बोलते हैं कि तुझे तो लड़का ही होगा, तुझे तो लड़का ही हो गया। बहुत कम लोग होंगे, मुझे ऐसा अब तक का मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी ने बोला हो तुझे तो लड़की ही होगी। मैंने सुना है कि तुझे तो लड़का ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन आप अपने विचारों में भी ये नीच काम करते हो। फिर उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, और फिर जो इसमें दाई है उसको जो लड़की है उससे मिलवाया जाता है, और फिर वो किस तरीके से रोती है, और पूरा एहसास उसे होता है कि एहसास तो बहुत पहले ही हो चुका था उसे कि उसने क्या क्या गलत काम किए। और गलत काम मैं तो दोषी दाई को नहीं मानूंगा, उतना दोषी नहीं मानूंगा, दोषी तो है, दोषी तो हर एक बंदा है, पर मैं उस दाई को इतना दोषी नहीं मानूंगा। दोषी वो लोग हैं जो आज भी हैं, कल भी थे। एक पल ये भी आता है जिसमें अमिताभ जी जो दाई है उनको नदी किनारे ले जाते हैं, जिसमें कि बताया था कि जो भी डेड बॉडीज होती थी उनको वो नदी किनारे ही गाड़ दिया करती थी, और फिर जो दाई है वो उस नदी से जल लेने के लिए जाती है। तो मेरे मन में तो ये विचार आया कि ये जल नहीं, ये जल भी शापित है, इसमें भी खून है, और कुछ इस तरीके से फिर ये जल भरती हैं और स्टोरी कंप्लीट होती है। लेकिन बात फिर वही कि ये जो बातें हैं वो पुरानी हैं, ये बातें आपको एहसास भी हो जाता है कि ये बातें पुरानी नहीं हैं, लेकिन आप कहते हो कहानी पहले जमाना का है, तो उस समय जमाना बीत गया सर, अब तो वो जमाना नहीं है। अब मारने जीने का तो दुनिया में भगवान है। तो आप ये वीडियो देखिए और महसूस कीजिए कि किस तरीके से कुरीतियां हैं हमारे देश में हैं, ठीक है। हम बाहर के किसी देश के बारे में नहीं बात करेंगे, हम अपने पहले अपने देश के बारे में बात करेंगे। ये कहानी बिहार की है, इससे ज़्यादा बुरी हालत झारखंड में, हरियाणा में, और भी बहुत सारी राज्यों में है। तो आप इस वीडियो को देखिए, इसको शेयर कीजिए अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टेटस में इसको डालिए। अगर आप स्टेटस लगाने को एक छोटा काम मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको लगा सकते हैं, ये जो स्टोरी है इसको शेयर करना बहुत बड़ा काम है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, इसके जो लिंक है मैं अपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी नीचे डाल दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए।